फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बैंगल सेट जो मैं आपको बना के दिखाऊंगी। और मैं आपको तीन बैंगल सेट बना के दिखाऊंगी फ्रेंड्स, और जो बहुत ही इजी है, आप घर में खुद अपना बना सकते हो। और बाहर जब हम बनवाते तो बहुत ही कॉस्टली बना के देते हैं बैंगल का सेट। अगर आपके पास घर में गोल्डन चूड़ियाँ या सिल्वर चूड़ियाँ, जैसी भी आपकी साड़ी है, मतलब उस हिसाब से आप खुद बना सकते हो। तो आपके पास ये तीन चार चीज़ें होनी चाहिए सेट बनाने के लिए, और बहुत ही सुंदर, बहुत हैवी सेट बना सकते हो अगर आपके पास लटकन वाले भी बैंगल्स हैं उनसे, और बहुत इजी तरीके से। तो मैं आपको आज बना के दिखाऊंगी। अगर मेरी वीडियो आपको आज पसंद आए तो लाइक जरूर करना फ्रेंड्स, लाइक करके जरूर जाना मेरी वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑन कर दें, जिससे आपसे को मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। और मैं अपने चैनल पर लाती होती पसंद रिलेटेड सारी वीडियो लाती हूँ। मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो हैं, अगर मेरे चैनल पर विजिट करना, देखना अगर अच्छी लगे तो। ये मैंने आपको एक सेट बना के दिखा रही हूँ बैंगल्स का, बहुत ही ईजी है ये। तो आप अगर आपके पास रेड कलर के बैंगल्स हैं और गोल्डन कलर की चूड़ियाँ हैं और रेड कलर की, तो आप ऐसे सिंपल सी मतलब ईजी सा बना के पहन सकते हो। ये भी बहुत सुंदर लगता है पहनने के बाद, लेकिन आपके पास ये रेड कलर के बैंगल्स होने चाहिए उसके लिए। ये तो बहुत ईजी है, सिंपल, ऐसे तो कोई बना लेगा। तो एक मैं आपको और बना के दिखाऊंगी। अब मैं आपसे ही मिलर वाले बैंगल्स हैं, इनका मैंने रिव्यू किया था अपने चैनल पर, अगर आपने ना देखा तो वो देख लेना। ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, वो जो रेड कलर के जो बैंगल थे ना, मैंने वो भी ऑनलाइन ही मंगाए। दोनों बैंगल मेरे बहुत ही अच्छे आए, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। तो एक मैं आपको दूसरा सेट बना के दिखा रही हूँ। जैसे रेड कलर की साड़ियाँ होती हैं, किसी में अगर क्रीम कलर होता है ना साड़ी में, अगर मोतियों का वर्क होता है, तो आप इस तरीके से बना के पहन सकते हो। ये बहुत सुंदर लग रहा है, मतलब सेट जो है। और एक और मैं आपको बना के दिखाऊंगी, आप ऐसे ही पहन सकते हो। अगर गोल्डन कलर है साड़ी में आपके में, और ये मतलब क्रीम कलर या मोतियों का वर्क नहीं है, तो आप गोल्डन कलर की चूड़ियाँ लगा कर बना के पहन सकते हो, तो वो ऐसे भी अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स, घर में ना आप बहुत ही इजी तरीके से, तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बना के दिखा रही हूँ, छोटी सी वीडियो है कि, और ना फिर अगर आप कहोगे ना तो मैं आपको और भी सेट बना के दिखाऊंगी, बहुत हैवी हैवी से, बहुत बड़े बड़े सेट ही बन जाते हैं इन्हीं चूड़ियों से ही। बस थोड़ी सी और ना, थोड़ी सी दो चार चूड़ियाँ और लगानी पड़ती है, रेड कलर की वो फैंसी चूड़ियाँ आती है ना, उनको लगा लो। या फिर बैंगल्स आते हैं, बड़े वाले बैंगल्स आते हैं, उनको लगा लो बीच में, उससे एक अच्छा सेट बनता है। ये तो मैं आपको बस थोड़ा सा ये है ना, अगर किसी को नहीं आते हैं, मतलब जल्दी है किसी को, तो फटाफट ऐसे मतलब छोटा सा सेट बनाया और पहन लिए। ये मेरी दूसरे तरह की चूड़ियाँ हैं रेड कलर की, ये वो है जिनके ऊपर रंग हरे ग्रीन कलर की है, वैसे रेड कलर की नहीं लगी रहती, बिंदी जैसी वो वाली चूड़ियाँ हैं ये। तो मैं आपको इनसे भी एक सेट बना के दिखाऊंगी, और बहुत ही सुंदर सेट बनेगा इनसे भी। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहना, और वीडियो अच्छी लग रही है ना आपको मेरी, तो लाइक कर देना फ्रेंड्स, लाइक करेंगे मत जाना। और जितना आप लाइक करोगे आप अच्छे से मतलब मेरी वीडियो ज़्यादा पब्लिक दिखेगी। मैं और कोशिश करूँगी आप साथ अपने साथ कुछ वीडियो शेयर करने की, ऐसे एक वीडियो बनाने की आपके लिए कोशिश करूँगी। तो आप मुझे, अगर आप लाइक करोगे और मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, और मैं और मेहनत करूँगी आप सबके लिए। तो आप सब मेरी वीडियो को फुल वॉच करना फ्रेंड्स, और अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये मेरा लास्ट का सेटअप बहुत सुंदर बना है, और बाय, टेक केयर।